Hey guys, welcome back to my channel. This is Aditya Raj Gupta, and in this video I'm going to talk about conditional statements, that is if, else and switches in JavaScript. तो बिना देरी करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, और हम सीधा अपने VS Code Editor पे चलते हैं. हमने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज के बारे में जाना था, तो इस वाली फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ. एक नई फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमारा ट्यूटोरियल 10 के नाम से रहेगा. तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, और जैसे कि मैंने बताया आपको ट्यूटोरियल 10, क्योंकि पिछला ट्यूटोरियल 9 था, तो ट्यूटोरियल 10.js. आपको पता ही है हमें फाइल का जब नाम स्टोर कराना था, और यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे 10 कर देते हैं. और जो हमारे यहाँ पे था ऑब्जेक्ट्स, एंड इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशनल्स लिख देते हैं यहाँ पे सीधा. वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे. और यहाँ पे भी हम इस यहाँ पे कुछ अपना वो कर देते हैं, कुछ प्रिंट करा देते हैं अपने इसमें. तो यहाँ पे लिख देंगे console.log वेलकम बैक. ठीक है, तो इसको सेव करते हैं. अब यहाँ पे जो हमारे ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे आ चुका है वेलकम बैक. अब अपने मेन चीज़ की बात करते हैं, जो कि हमारा कंडीशनल्स के बारे में है. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ. उसमें दे देता हूँ const एज इज इक्वल्स टू 19 दे देता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, सेमी कॉलन लगाना मत भूलना यार, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कोडर के लिए. अब यहाँ पे कंडीशनल्स में हमारा सबसे पहले आता है इफ एंड एल्स. तो इसका मतलब क्या होता है यार, या तो ये चीज़ है या तो ये चीज़ है. अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये ट्रू है तो इसका जो सिंटैक्स है वो प्रिंट कर दो. तो वो कैसे देख करते हैं, तो इफ़, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इफ़ में कंपेयर होता है यहाँ पे एज इज़ इक्वल्स टू 19 है. तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करके देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करके देंगे console.log क्या है, एज इज़ 19. ठीक है, और हम यहाँ पे else या दूसरी कंडीशन हमारी else क्या प्रिंट करके देंगे, console.log हमारा एज इज़ Not 19, हमारा एज जो है वो 19 नहीं है. अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको पूरे अपने सिंटैक्स को. इफ हमने इसलिए डाला क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमने डब एज इज इक्वल टू 19 डाला है. अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे ये हमने सिर्फ एक इक्वल टू क्यों नहीं दिया. एक इक्वल टू हमारा होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा एज में 19 वैल्यू स्टोर कर देता, वो हमारा कंपेयर नहीं करता. तो हमने यहाँ पे डबल इक्वल टू इसलिए लगाया ताकि वो वैल्यू को कंपेयर करे. एज में हमने क्या स्टोर कर रखा है, 19 का स्टोर कर रखा है. तो अब कंपेयर होगा 19 इक्वल टू अगर ये ट्रू है ना अगर ये ट्रू है तो हमारा एक प्रिंट करके दे देगा क्या, एज इज 19. और else मतलब हमें पता ही है, मतलब ये सेंस वाली बात है कि एज 19 नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करके देगा, else में हमें कंडीशन नहीं लगानी होती, क्योंकि वो पता ही होता है कि सारी कंडीशन के बाद ही आता है else हमारा. तो हमें वो पता ही होता है, इसमें हमें डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है जो हम देना चाहते हैं. तो एज इज़ नॉट 19, तब हम यहाँ इसको प्रिंट कराते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या देगा, ये एज इज 19. क्यों, क्योंकि एज तो 19 है. यहाँ पे अगर मैं इसको 29 कर दूँ तो ये क्या होगा, पॉज करके सोचो, ये बिल्कुल यहाँ पर ही डिफॉल्ट else पे जाएगा. तो एज इज नॉट 19 के अलावा कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, बिल्कुल एज इज नॉट 19. तो एज को वापस 19 करते हैं, और यहाँ पे भी देखते हैं एज इज 19. अब मैंने बोला था आपको कि हम इसको बीच में भी डाल सकते हैं, और else हमारा जो स्टेटमेंट है वो सबसे बाद में होता है, तो उसके बीच में कैसे हम डाल सकते हैं. तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ else if. ठीक है, else if हम दोबारा कंपेयर करते हैं, एज इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे देते हैं 65. इसका मतलब क्या है, एज हमारा अगर 65 है तो हम प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, हमारा एज इज 65. तो यहाँ पे मैं जाके अब इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा एज 19 दे रहा है. अगर मैं यहाँ पे इसको 65 कर दूँ ना, तो 65, तो अब देखो यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे रहा है एज 65. इसका मतलब क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझना इसको. इफ़ पे पहले वो जा रहा है, ठीक है, इफ़ पे जा रहा है, देख रहे हैं कि एज हमारा एज में 65 स्टोर है. अब कंपेयर कर रहा है 19 के इक्वल नहीं आया, तो अब वो अगले स्टेटमेंट पे जा रहा है. अगले स्टेटमेंट क्या देख रहा है, वो else if दोबारा, मतलब चेक ही करना है हमें, पहला वाला प्रिंट करके नहीं देना है. पहला वाला if था, अब else if आ गया.
तो एज 65 के इक्वल है, हाँ बिल्कुल यार एज 65 के इक्वल है, तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है, एजेस 65। अब ये अगले पे नहीं जा रहा, बट अगर आप ये सोचोगे कि हमने एल्स इफ ही क्यों लगाया, हम सिर्फ इफ इफ लगा देते हैं, इफ इफ वाले में ये होता है कि वो हर एक स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट करता, हर एक स्टेटमेंट पे जाता वो और फिर इसको एग्जीक्यूट करके देता। तो जैसे कि इफ़ एज इक्वल्स टू 65 और यहाँ पे भी है ना एज इक्वल्स टू 65, तो वो दे रहा है हमें क्या दे रहा है, एजेस 65, और इसलिए हम यहाँ पे एल्स इफ लगाते हैं। और मेन बात तो ये है कि मतलब अगर हमने एल्स इफ़ के पहले भी, अगर हमें कंडीशन एल्स इफ वाला ही ट्रू करना है हमें, और उसके पहले भी बहुत सारी एल्स इफ़ हमने कंडीशन दे रखी है, तो वो उन पे तो आएगा ही आएगा, बट जैसे ही उसको चीज़ मिल जाता है, एल्स इफ़ में कोड्स मिल जाते हैं उसे, वो वहीं पे स्टॉप करके ब्रेक कर जाता है और ये बाहर निकल जाता है और वो हमें प्रिंट करके दे देता है जो कि सिंटैक्स में हमने स्टेटमेंट लिख रखी होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने लिखा था एज 65, तो उसने हमें वो प्रिंट करके दे दिया। अब क्या आएगा हमारा, हम यहाँ पे जो एज है ना उसको, जो एज में उसको वैल्यू ये डालते हैं, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू डालते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिपल इक्वल टू क्या है, ट्रिपल इक्वल टू यार ये होता है कि अब वो तो इक्वल टू देखता ही है, मतलब क्या देखता है वो कि वैल्यू को तो वो कंपेयर करता ही है, साथ ही साथ उसका टाइप ऑफ भी कंपेयर करता है। टाइप ऑफ हमारा डेटा टाइप जानने के लिए होता है कि उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। तो इक्वल ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, टाइप ऑफ भी देखता है, कंपेयर करता है और उसका सिंपल कंपेरिजन भी करता है और फिर हमें देता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एज हमने एज में मतलब 65 वैल्यू स्टोर कराई है, और एल्स इफ में जब हम जा रहे हैं ट्रिपल इक्वल टू डाल रहे हैं तो एज इज 65, वो हमें प्रिंट करके क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप ऑफ मैच नहीं कर रहा है, टाइप ऑफ उसका दूसरा आ गया, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ऑफ आ गया, तो ये एज इज़ नॉट 19 यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। तो इस बात को आप यार दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा पीछे से देख लो अगर आप समझना है, और फिर भी ना आता तो कमेंट आप कर सकते हैं। और अगर मैं वापस इसको मतलब 65 में कन्वर्ट कर दूँ, और यहाँ पर हम इसको नॉट इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू वाले भी यहाँ पे चीज़ आती है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इज़ नॉट 19। तो अब क्या प्रिंट करके देगा आप, एज हमारा 65 है तो हमारा सिंपल फर्स्ट पे जाके एज इज़ नॉट 19 प्रिंट करके दे देगा। बट अगर हमने यहाँ पे नॉट इक्वल इक्वल टू डाल दिया तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये हमें फिर भी एज इज़ नॉट 19 प्रिंट करके दे रहा है। वो क्यों दे रहा है आपको रीज़न पता है, क्योंकि वो पहले वाले पे पहले जाता है एज 65 नॉट इक्वल टू 19, तो वो दे रहा है एज इज़ नॉट 19, और अब वो आगे तो बढ़ेगा नहीं ना इस कॉन्सेप्ट में, तो एज इज़ नॉट 19 उसको प्रिंट करके दे दिया पहले वाले कंपेयर से करके। अब मैं कोई एक सिंपल सी चीज़ करनी है, जैसे कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, वेरिएबल नाम से ही ले लेते हैं, उसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, जैसे कि ये कहाँ चली गया, ये मैं इसमें 34 स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है 34 स्टोर कराया। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इफ़ अच्छा वहाँ पर हम स्मॉल भी है ना वहाँ पे, तो वेरिएबल अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल इज़ डिफाइंड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या लिखा, वेरिएबल इज़ डिफाइंड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ गया वेरिएबल इज़ डिफाइंड, बट क्या होगा अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर ही ना करूँ, उसको इनिशलाइज ना करूँ, क्या देगा यहाँ पे, पॉज करके सोचिए, यहाँ पे बिल्कुल एरर देगा। तो इसने दिया वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, वेरिएबल डिफाइंड नहीं है फिर भी हम उसको प्रिंट कराएं तो ऐसे कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे हम और सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सीधा टाइप ऑफ जाता हूँ, टाइप ऑफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम ट्रिपल इक्वल टू डालेंगे तो टाइप ऑफ चेक करते हैं हम उसका, और कंपेरिजन भी कर सकते हैं साथ साथ। और नॉट इक्वल टू इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इसको अनडिफाइंड के इक्वल नहीं है, और टाइप ऑफ किसका, टाइप ऑफ हम अपने वेरिएबल का जो हमने क्रिएट करा था उसका देखना चाह रहे हैं। और एल्स सिचुएशन में हमें क्या प्रिंट करके देगा, एल्स में भाई आपको बताइए कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या दे रही है हमें, वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, वेरिएबल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये तो कम नहीं, यहाँ पे वेरिएबल को कमेंट आउट कर रखा था, अगर हम इसको कमेंट इन वापस कर दें तो देखते हैं क्या होता है, वेरिएबल इज़ डिफाइंड। तो आपने देखा कि इतना ईजी है, और हमने यहाँ पे चेक भी करा इसको टाइप ऑफ को लेकर वेरिएबल अनडिफाइंड को स्टोर करा के, तो ये ईजी है बिल्कुल। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो कमेंट आउट करके आप पूछ लेंगे ज़रूर, मैं बार बार ये स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को इनिशियली बहुत डाउट आते हैं इस चीज़ों में, तो ये चीज़ें बेसिक्स होती है और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इस पार्ट को यहाँ पे कर देते हैं कमेंट आउट, एंड यहाँ पे और सारी एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा कॉन्स्ट डज ड्राइव, और उसमें एक वैल्यू मैं स्टोर करा देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं ट्रू वैल्यू स्टोर करा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे सेमी कॉलन मत लगाना भूलना आप। अब यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि अगर हमारा डस्ट ड्राइव ट्रू है, क्या है ट्रू है, तो वो कैसे लिखते हैं हम, क्या ऐसे लिखते हैं कि इज डस्ट ड्राइव ट्रू, नहीं
सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे डज डज ट्रू, इसका मतलब यही होता है कि एग्जिस्ट करता है या ट्रू है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे यू कैन, यू यू कैन ड्राइव नाउ, ठीक है, यू कैन ड्राइव। और एल्स सिचुएशन में क्या प्रिंट करेंगे हम, हमें एल्स में आपको पता है कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एल्स हमारा सारी स्टेटमेंट्स के बाद ही आता है। तो एल्स में हम दे देंगे, इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है, कुछ और कॉपी हो गया यार यहाँ पे, तो यू कैन नॉट ड्राइव, एल्स में हमने ये प्रिंट करके दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा है यू कैन ड्राइव, बट अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट का जो ट्रू हो रखा है यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूँ इस वैल्यू को, तो अब देखना है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एल्स वाले सिचुएशन हमारा वर्क करेगा यहाँ पे, यू कैन नॉट ड्राइव। अब इफ एल्स में हमारा एंड ऑपरेटर भी आता है और ऑपरेटर भी आता है। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर ये होता है कि यार जैसे कि मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया और एज यहाँ पे लिखा मैंने ग्रेटर देन 18, आप ड्राइव जब ही कर सकते हो जब आपकी एज ग्रेटर देन 18 है, ये स्टेटमेंट ऐसे मतलब दे रही है, इसका मीनिंग ये है। तो एंड ये है कि मतलब ये भी होना चाहिए, डज ड्राइव भी होना चाहिए एंड एज ग्रेटर देन 18 भी होना चाहिए, तभी हमारा इसका जो सिंटैक्स हमने डाला है, स्टेटमेंट डाली है, वो प्रिंट करके देगा। तो हमारी एज में क्या स्टोर्ड है, अभी 65 स्टोर्ड है, तो हमें ये प्रिंट करके देगा यू कैन ड्राइव। बट अगर मैं यहाँ पे एज को यहाँ पे 65 की जगह यहाँ पे 15 कर दूँ तब क्या प्रिंट करके देगा, पॉज करके जल्दी सोचो यार, ये प्रिंट करके दे रहा है यू कैन नॉट ड्राइव। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, डज ड्राइव तो एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है, बट एंड लगा रखा हमने बीच में, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए पॉसिबल, तो एज हमारा तो नहीं हो रहा ना पॉसिबल, तो नहीं देगा ये हमें। वहीं अगर मैं इसको और लगा दूँ ना यहाँ पे, और का मतलब क्या होता है, और कहाँ मिलेगा आपको, आपके बैक स्लैश वाले की पे मिलेगा आपको और शिफ्ट विंडोज़ पे तो शिफ्ट और करके आप कर देना, शिफ्ट बैक स्लैश वाले पे, फिर और आपका वहाँ पे आ जाता है। अगर मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो ये क्या दे रहा है, यू कैन नॉट ड्राइव, अभी भी यू कैन नॉट ड्राइव, डज ड्राइव तो वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, बट हमारे जो और में क्या होता है, पहले वो समझ लो कि एक चीज़ इसमें से एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर मैं वापस एज यहाँ पे 18 ग्रेटर देन कर दूँ इसकी 19 कर दूँ, तो अभी हमें क्या प्रिंट कर देगा, यू कैन ड्राइव, यू कैन नॉट ड्राइव ही आ रहा है यार अभी भी, एक मिनट कहीं दिक्कत आ रही है, यू कैन नॉट ड्राइव, अच्छा ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी डस्ट ड्राइव की जो वैल्यू है ना वो मैंने यहाँ पे इसकी फॉल्स कर रखी है, तो दिक्कत यहाँ पे आ रही थी। और अब क्या प्रिंट करके दिखाई हमें, यू कैन ड्राइव। अब बट एज हमारी यहाँ पे 15 है, बट यहाँ पे फिर भी दे रहा है यू कैन ड्राइव, तो आप समझ रहे हो कि इसमें से एक भी सिचुएशन अगर ट्रू हो गई तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, ट्रू स्टेटमेंट यानी यू कैन ड्राइव। अब उसका वाइस वर्सा भी देखते हैं कि एज हमारी यहाँ पे अभी है 65, बट जो ये है ना वो हमने फॉल्स कर दिया, मतलब यहाँ पे एक ही अभी भी हम ट्रू करवा रहे हैं, तब भी हमें देगा यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव। तो आपने देख लिया ये ऐसे एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है और ऑपरेटर ऐसे काम करता है। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिए और हमने टाइप ऑफ वाला मतलब ट्रिपल इक्वल टू वाला भी ऑपरेटर देख लिया जो कि टाइप ऑफ और वैल्यू को नॉर्मल वेरिएबल है उसको भी कंपेयर करता है। फिर हमने नॉट इक्वल टू भी देख लिया, नॉट इक्वल टू इक्वल टू भी देख लिया, तो सारे ऑपरेटर्स भी देख लिए हमने इस वीडियो में, ये आपका एक प्लस पॉइंट है इस वीडियो का। अब हम यहाँ पे इस इफ एल्स तो है ही, बट हम इसे एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं स्टेटमेंट को, वो कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आती है टर्नरी ऑपरेटर से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सीधा कंसोल डॉट लॉग, एक स्टेटमेंट की बात की है ना मैंने, तो एक स्टेटमेंट में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा एज इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू अगर यहाँ पे हमारा एज 45 है और टर्मिनल ऑपरेटर लगाया हमने यहाँ पे नॉट, मतलब पहले वाले में तो ट्रू ही देते हैं हम एजस 45, बट दूसरे वाले में फॉल्स में हमें कोलन सेट करना होता है और यहाँ पे लिख देते हैं एज इज नॉट 45, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे एज तो हमारा अभी एज इज़ नॉट 45 दे रहा है, तो यहाँ पे जो एज है ना हमारा उसको अगर हम 45 कर देते तो हम क्या देगा, एज इज़ 45। तो टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में वर्क करता है, बट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए, तो इस चीज़ को आप समझ लो, अगर नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा प्लेबैक करके। और टर्नरी ऑपरेटर वैसे बहुत ईजी होता है लगाना, यहाँ पे सेमी कॉलन्स लगाना मत भूलना आप, मैं भूल जाता हूँ कोई नहीं, बट आपको एक गुड कोडर बनना है तो आपको ऐसे प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी अपने लिए। अब कंडीशनल पे हमारे पास स्विचेस भी आते हैं तो उसे भी देखते हैं। तो स्विच के लिए हमें किसके स्विच करना पड़ता है पहले वो, तो एज पे हम वर्क करेंगे यहाँ पे, एज पे हमें स्विच करनी चीज़ें, तो एज पे जाते हैं यहाँ पे, एज पे हमें स्विच करना है। तो अब यहाँ पे हम बनाते हैं और एज का केस डालते हैं उसमें, पहले हम केस जैसे कि एज में हम जो वैल्यू थी ना मेरी उसको वापस मैं 18 करता हूँ एज यूजल, 18 मतलब क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए तो सही है ना।
अब यहाँ पे केस 18 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे यू 18, ठीक है, यू आर 18 प्रिंट करा दिया। और हमें केस वाले में ये होता है कि हमने हर केस के बाद ना वहाँ पे हमें एक ब्रेक देना होता है, ब्रेक किस लिए देते हैं वो भी मैं बताता हूँ, बट आपको ये सिंटैक्स देख लेते हैं पहले इसका। फिर यहाँ पे हमें डिफॉल्ट डिफॉल्ट देना होता है, डिफॉल्ट में हमें केस वेस नहीं देना होता, डिफॉल्ट में ये होता है कि सारे सिचुएशन के बाद जैसे इफ एल्स में था वो वैल्यू हमारी प्रिंट होगी ही होगी। तो डिफॉल्ट में क्या देंगे हम, कंसोल योर एज इज अननोन, कुछ भी दे सकते हैं हम, बट ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है यू आर 18, क्यों, क्योंकि एज तो हमारी 18 है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एज को अपनी चेंज कर दूँ तो क्या होगा, वहाँ पे एज को मैं यहाँ पे कर दूँ 19 कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको देखते हैं हम क्या आ रहा है, ये तो यू आर अननोन है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अननोन वाला इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या दे रखा है, अभी एक ही केस डाला है, केसेस हम और डालते हैं यहाँ पे, इतना केस बन गए हमारे। और इसको भी मैं यहाँ पे 22 28 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 38 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यू आर 28 यू आर 38। अब हमें क्या प्रिंट करके देगा ये, हमें और केसेस बना चुके हैं ना हम, तो यू योर एज इज़ अननोन, बट अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ क्या कर दूँ क्या कर दूँ 28 कर दूँ या 38 भी कर दूँ, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, यू आर 28। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको भी समझो, मतलब इसका पूरे सिंटैक्स ही समझ लो यार। पहले तो हमने स्विच लगाया, स्विच किस पे लगाया, एज पे लगाया, एज पे स्विच क्यों लगा रहे, क्योंकि एज के साथ हमें खेलना है यहाँ पे। और फिर हम केसेस बना रहे हैं वहाँ पे, अगर 18 पे केस बनाया, 28 पे केस बनाया, 38 पे केस बनाया। अब केसेस में क्या कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम उस पर सिर्फ ये लिख दें यू आर 18, जो भी हम देना चाहते हैं एलिजिबिलिटी की हम क्लियर कराना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लियर करा सकते हैं। फिर हम ब्रेक दे रहे हैं, सबसे मेन यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम ब्रेक ना देना तो वो एक वन बाय वन सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल, यहाँ पे दो स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे अनब्रेक कर दिया है, और तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये दे रहा है कि यू आर 18 और यू आर 28 भी दे, यू आर 28 और यू आर 38 भी दे रहा है, और यहाँ पे हमें ये भी दे रहा है, इस वाले को भी हम अनब्रेक करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें तीनों स्टेटमेंट ये करके दे रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है तो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको ब्रेक डालते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट में हमारा वही है कि अगर सारी केसेस के बाद भी कुछ नहीं मिलता उसे इक्वल टू, मतलब ट्रू नहीं मिलता, तो वो हमें क्या प्रिंट करके देगा, योर एज इज अननोन, हमें डिफॉल्ट वैल्यू में जो हमने सिंटैक्स स्टेटमेंट लिख रखा है वो हमें प्रिंट करके देगा वो। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना, और इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने कलीग्स में जिन्हें कोडिंग की बहुत ज़रूरत है। और ये जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो प्लेलिस्ट चल रही है मेरी, वो सारी प्रोग्रामिंग के भी रिलेटेड है, मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत सारे आने वाले हैं, फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट भी आएगी, फिर रिएक्ट जेएस भी आएगा, तो उन चीज़ों पे नो डाउट नो वरीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।